बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल योम दिफाए पाकिस्तान। पूरी पाकिस्तानी कौम इसे बहुत मिली जोश व खरोश से मनाते हैं। हम अपने तमाम रुफका को, तमाम अपने जवानों को, तमाम सपूतों को, इस कौम के बहादुर बेटों को खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। और मेरी तरफ से भी उन तमाम जवानों को सलाम, और उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमेशा से। हम उनके एहसान मंद हैं और उनका एहसान का बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते कि आज वो सरहदों पर हैं और हम सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं। हम अपने दिगर जो फ़राइज़ मनसबी है वो सर अंजाम दे रहे हैं, अपने दिगर उमूर चला रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम सुकून से रह रहे हैं। हम आज़ादी की कीमत की बात करें या दिफा की कीमत की बात करें, तो हमें उन लोगों से या उन ममालिक से या उन अफराद से जाके पूछना चाहिए जिन्हें ना तो आज़ादी की नेमत मिली है और ना ही उनके पास इतनी बड़ी अफवाज हैं कि वो अपने ममालिक का दिफा कर सकें। हम जाके यमन से पूछ सकते हैं, हम जाके अफ़गानिस्तान से पूछ सकते हैं, हम जाके इराक़ में पूछ सकते हैं, हम फ़लस्तीन में पूछ सकते हैं, हम इसके अलावा तमाम ममालिक में जाके पूछ सकते हैं कि इस वक्त उनके क्या सूरत हाल है। इन ममालिक की ये सूरत हाल क्यों है? सिर्फ ये कि उनके पास अफवाज थी लेकिन उन्हें दबाने की कोशिश की जाती थी, हमेशा उनके खिलाफ प्रोपागेंडा किया जाता था, वही प्रोपागेंडा जो आज किया जा रहा है अपनी फ़ौज के खिलाफ। यहाँ पर जो कुछ सियासी जमातें हैं, बदकिस्मती से उनके अपनी औलादें तो बाहर हैं, लेकिन वो जो यहाँ पर बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट नासिर खालिद हमारे पास मिसाल है, वो कुर्बान हो रहे हैं, उन पर हमेशा से वो जुमले कसते हैं, हमेशा से बयानबाजी दे करते हैं, हमेशा से उन पर सियासत की जाती है कि फ़ौज इतना बजट खा गई, फ़ौज ने ये कर दिया, फ़ौज ने वो कर दिया। हमारे यहाँ कोई भी आफत आए फ़ौज को बुलाओ, कराची की सूरत हाल हमने देखी, फ़ौज को बुलाओ। हिसाब यहाँ से लगा सकते हैं कि हमसे हमारी ये जो सो कॉल्ड सियासी जमातें जो हर वक्त फ़ौज को सुनाती रहती हैं, बातें करती रहती हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, ये नाले तक साफ़ नहीं कर सकती, वो भी हमें एनडीएमए को बुलाना पड़ता है। सैलाब आ जाए फ़ौज को बुलाओ, जलजला आ जाए फ़ौज को बुलाओ, कोई और आफत आ जाए फ़ौज को बुलाओ, पोलियो के कतरे पिलाने हैं फ़ौज को बुलाओ, इलेक्शन करवाने हैं फ़ौज को बुलाओ, सिक्योरिटी चाहिए, मुहर्रम पे, आशूरा पे, ईद मिलादुन्नबी पे, तमाम इसके अलावा बड़े इवेंट्स हों तो फ़ौज की सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है। सरहदों पे हमें फ़ौज चाहिए, हमें फ़िज़ाई अगर कोई मसला हो जाए फ़ौज आती है, सारी जगह पे अगर हम बात करें तो फ़ौज अभी बरसरे पैकार है। लेकिन इधर जो कुछ ऐसे लोग हैं बदकिस्मती से, मैं उनकी मजम्मत भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, जो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। आज अगर हम शाम की तरफ नज़र उड़ाएँ तो हमें पता चलेगा कि अपनी फ़ौज की अहमियत होती क्या है। सिर्फ 17.5% हमारी फ़ौज का बजट है, जो अभी पिछले दिनों DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करके हमें बताया, लेकिन यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा, और उन लोगों की जानिब से किया जाता है जिनका दूर दूर तक फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। अग़यार के नक्शे कदम पे चलते हुए ये हाइब्रिड वॉर जो है, मीडिया वॉरफेयर, यही मीडिया वॉर है कि लोगों के जहनों में एक जहर घोला जाए, उन्हें बताया जाए जी आपकी फ़ौज ये करिए, आपकी फ़ौज ये करिए, जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत। भाई जमहूरियत ये है कि अपनी औलादों के पेट पालो, अपने ख़ानदान को ऊपर लेके जाओ, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये है कि सबको साथ लेके चलो। यही लोग जो पागल हो रहे हैं आज इन सियासी जमातों के लिए, इनके अपने लीडरान तो बाहर भाग गए हैं इलाज करवाने के लिए, यानी ये अपने लीडरान से इतना तक नहीं पूछ सकते कि भाई आपके ने इतने यहाँ पर तरक्की जो की है सो कॉल्ड, तो आपके लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं है यहाँ पे, आप वहाँ पे अपना इलाज तक नहीं करवा सकते। अगर यही प्रॉब्लम प्लेटलेट्स का किसी आम बंदे को होगा तो वो जा सकता है इंग्लैंड, इन्हीं के सपोर्टर में से कोई जा सकता है इंग्लैंड, लेकिन इन्हें बाहर जाना है, क्यों? ये लीडर है। आफरीन है वैसे इन लोगों पर भी और इनकी सोच पर भी कि इतनी पसमानगी का शिकार हैं, ज़हनी पसमानगी है। तो मैं दुआगो भी हूँ कि ऐसे हमारे लोग अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, और खुदारा हमारी ये जो फौज है हमेशा इसका मोराल बुलंद रखने के लिए इसकी कुव्वत बने, जैसे हमारी तमाम कौम हमेशा से बनती आई है। इस वक्त भी हम बहुत बड़े बड़े दुश्मनों का हमें सामना है, हर तरफ से हम घिरे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशंस हुए यहाँ पर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब हो, ऑपरेशन खैबर हो, इसके अलावा कई हमने देखा यहाँ पर ऑपरेशंस हुए, तमाम सीरीज़ में हमारे कई शहदा यहाँ पर हैं, हमारे कई जवान जो हैं वो इस वक्त माजूर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, कोई भी यह नहीं कहता मैंने महाज पर नहीं जाना, बल्कि हर कहता है कि मुझे महाज पर भेजो, मैं शहादत को गले लगाऊँगा। हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर हमारे ऐसे हीरोज़ हैं जो जन्म ले रहे हैं और जो शहादतें भी हैं हासिल कर रहे हैं, तो ये मैं ये कहूँगा चोजन पीपल हैं, कि ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि मादरे वतन के दिफा के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें चुना है। तो खुदारा इनकी ये जो मेहनतें हैं, इनकी ये जो कोशिशें हैं, इनकी ये जो काबिशें हैं इस मुल्क में अमन लाने की, इन्हें ठेस मत पहुँचाएँ।
अगर आप इनकी तारीफ में कुछ कलमात नहीं कह सकते तो खुदारा इन पर तनकीद के कलमात भी आप मत करें। अभी हम देख रहे हैं कि BLA और BRA के लोग जो इस वक्त वापस कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, वो यही कहते हैं कि हमें गुमराह किया गया था, हमें लालच दी गई थी, हमें बताया गया था कुछ और किया गया हमारे साथ कुछ और। तो यहाँ पर भी एक प्रोपागेंडा शुरू कर दिया जाता है जी कि पढ़ा लिखा नौजवान था वो, उसने BLA या BRA ज्वाइन क्यों की। तो भाई लालच किसी को भी आ सकती है, लालच के लिए कोई पढ़ा लिखा होना या डिग्री होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। हमने देखा पिछले दिनों जामिया कराची की MBBS के स्टूडेंट्स, वो दाइश के साथ मुंसलिक नज़र आए हमें। क्यों? डिग्रियां उनके पास नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, सिर्फ एक जो लालच होता है या ब्रेन वॉशिंग किसी तरह से भी हो सकती है, जो कि उनकी भी हो चुकी है और उन्हें खुद नहीं पता कि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और ये एजेंडा किसका है। हमें ये भी नहीं पता वो पोस्ट आई कहाँ से है, वो बेंगलोर से आई है, वो यूरोप से आई है, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि हमने उस पोस्ट को शेयर करना है और एक प्रोपेगेंडा करना है। मेरा बस उनसे यही कहना है, यही अपील है मेरी उनसे, खुदारा अपनी आंखें खोलें और ये जो आप आंखें बंद करके पोस्ट पे पोस्ट शेयर करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी जाना करें। अगर आपको किसी बारे में नहीं पता होता तो अपनी फ़ौज पे बिला जवाब तनकीद मत करें। मेरा आखिर में फिर उन तमाम जवानों को, हमारी तमाम मुसल्ला फौज को, बहरी बहरी फिजाई, हमारे रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारे दीगर जो खुफिया इदारे हैं, हमारी एजेंसीज हैं, उन तमाम को मेरा खराज तहसीन। जिस तरह से वो अपनी तमाम ड्यूटीज़, अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद साबित कदम रखे और वो इस मादर वतन के दिफा के लिए पहले से ज़्यादा ताकतवर होके, पहले से ज़्यादा मजबूत होके अपनी तमाम कोशिशें जारी रखें, अपनी तमाम काविशें जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मुसल्ला अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।